गया। हाँ मले जयति ते भिकम इंदिरा सास्वदात्रहि दैतदृक्षताम दीक्षुतापखा विचिन्नते। कहते इसमें जिस छंद में यहाँ पर गा रहे हैं, कहते हैं उसमें कितने सुंदर उन्होंने छंद गाए और कैसे शब्दों को उन्होंने विनाश किया। बोले जयति ते धिकम, शुरू हुआ जस, जयति ते धिकम, फिर उसको बाद में बोले जन्मना ब्रज, फिर ज जो है देखो ज जो कैसे जयति जन्मना ब्रज ब्रजस्र बोले श्रयति इंदिरा, फिर सास्वदात्रहि, फिर द में शुरू करते हैं बोले दैत दृक्षता, फिर द दीक्षुताभ का तोई धृतात्सव त्वांग विचिन्नते। जैसे जिस शब्द से शुरू करते हैं ना, सेकंड शब्द से कोई शब्द ला रहे, मतलब बड़ी गोपियों को मुंह से जो शब्द निकली, मतलब अद्भुत रूप में उन्होंने ऐसे श्रृंगार ऐसे अलंकार और ऐसे शब्द के द्वारा अद्भुत अद्भुत रूप में उन्होंने इसको गाए हैं। कहते इसका मतलब क्या है, बोले जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। यहाँ पर कहते जयति, जयति मतलब होता है जय जयकार हो। कहते जयति शब्द है, सब संस्कृत का विचार है, जयत मतलब होता है जय जयकार हो, हैं? कदी जो जयति ये पहला ये है, मतलब उसको क्या कहते हैं, हाँ कदी ये प्रथम शब्द है, हाँ कद जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। बोले कृष्ण जब से तुमने ये वृंदावन में जन्म हुए ना, तब से ये वृंदावन का जय जयकार तो है ही है, वृंदावन का जयकार है वृंदावन की, लेकिन जब से तुमने जन्म ग्रहण किया है विशेष करके वृंदावन की जय जयकार हो रहा है। इसलिए जिसको गोपियां कहती हैं वृंदावनम जयति, कहते वृंदावन क्यों कोई जयकार हो रहा है, कारण क्या है? बोले कारण है जो वृंदावन धाम को बताए ये कोई साधारण धाम नहीं, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लख्या वृत तो सुरभीर अभिपालयंतम लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदं मादि पुरुषम तमहं व्रजामि। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु जो वृंदावन धाम है सबके सब चिंतामणि, चिंतामणि देख रहे, चिंतामणि मतलब क्या, जो जो चिंता करो वही देगा। कहते वहां की वृक्ष कैसे, बोले सारे वृक्ष कल्प वृक्ष है, सारी इच्छाओं को पूरी करने वाले। कहते वहां का पानी कैसे, बोले पानी नहीं, बोले तोयम मृतम पानी अमृत, बोले गमनम नाट्यम, अगर कोई चलता है ना वहां पर लगता है जैसे बड़ी सुंदर नृत्य कर रहा है, अगर कोई कुछ बोलता है ऐसे लगता है जैसे बड़े सुंदर कोई भजन गा रहे। कहते वहां पर जो सूरज है जैसे सूरज का बड़ा तेज है, बोले सूरज का तेज नहीं वहां पर बड़ा मीठा है, वहां पर सब के सब भूख प्यास किसको लगती नहीं, दिव्य श्री वृंदावन धाम है। इसलिए इसलिए वृंदावन धाम की इतने महिमा कारण है। बोले कृष्ण अजन्मा होते हुए भी कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन मैं कौन हूँ, बोले अजो मेरा जन्म नहीं, लेकिन वो अजन्मा होते हुए भी उन्होंने क्या किया, वृंदावन में उन्होंने जन्म लिया है। अभी कृष्ण का जन्म उत्सव आया ना, इसलिए कृष्ण नंद के लाला होकर के मैया जसोदा का दुलाला बन करके भगवान जन्म लिए, इसलिए बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इसलिए जो वृंदावन जो धाम है जहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं गोचारण करते हैं, और जब कृष्ण वृंदावन धाम में चलते हैं उनके चरण स्पर्श पा करके, कहते जो घास है ना, बोले घास नहीं, जैसे भगवान की चरण स्पर्श होने पर जैसे शरीर में प्रेम होने पर ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बोले घास रूप में ये वृंदावन धाम रोंगटे खड़े हो। बोले उसमें जो झरना, बोले झरना नहीं, बोले क्या
जैसे ज्यादा आनंद हो ना, प्रेम हो, आंखों से आंसुओं की झरी बह रही है, बोले वृंदावनम झरी बह रही है। और कृष्ण जब चलते हैं, कृष्ण के चरण में उन्हीं से चिन्ह है, उन्हीं से चिन्ह। कृष्ण जब चलते हैं वृंदावन धाम, अपना वक्ष स्थल में कृष्ण का चरण की स्पर्श को पा करके, चिन्हों को पा करके वृंदावन धाम प्रसन्न हो रहे। वृंदावन धाम इसलिए कहते हैं वृंदावन धाम, जहाँ पर कृष्ण गोचारण करते हैं, जहाँ पर श्री दीपक वृंदावन में, जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन, राधा कुंड, श्याम कुंड, कहते वहां की जो तालाब सरोवर नहीं, सरोवर क्या है, प्रेम सरोवर। राधा कृष्ण का प्रेम ही द्रवीभूत होकर सरोवर हुए। मानसी गंगा कृष्ण के मन से प्रकट हुए, राधा कुंड श्याम कुंड। कहते ये क्या है राधा कुंड श्याम कुंड, कहते राधा कृष्ण ही दोनों ये कुंड रूप में प्रकट हुए। जितने वृंदावन के जितने पर्वत, पर्वत नहीं बोले सखीगिरी पर्वत, मतलब ललिता विशाखा चंपकलता, ये एक पर्वत हुए। ब्रह्मा स्वयं ब्रह्माचल शंकर नंदीश्वर गिरिराज गोवर्धन कृष्ण, इसलिए कहते हैं जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। बोले कृष्ण जब से तुमने जन्म ग्रहण किया हो, समय हो जाने में 5 मिनट ले, इसलिए जब से आपने जन्म लिए हो वृंदावन की जय जयकार वृंदावन की हो रहे हैं। लेकिन जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। बोले श्रयत इंदिरा, कहती वृंदावन धाम, इंदिरा मतलब लक्ष्मी, बोले ये लक्ष्मी का ये क्रीड़ा भूमि बन गई। बोले एक लक्ष्मी नहीं, बोले सत सहस संभ्रम सेव्यमानम, हजार हजार लक्ष्मी जहाँ पर झाड़ू लगाती, कहती गोपियां कौन है, ये तो लक्ष्मी है ना। इसलिए श्री इसी श्लोक में कोई कोई कहते ना, बोले भागवत में राधा जी का नाम क्या है, तो वहां पर गोस्वामी लोग दिखाते हैं जो श्रयत इंदिरा, इंदिरा मतलब लक्ष्मी, जो इंदिरा शब्द कह रहे लक्ष्मी, बोले ये मूल लक्ष्मी कौन है, बोले राधा रानी है, ये राधा रानी की, ये तो क्रीड़ा भूमि बन गई श्री राधा रानी की। इसलिए श्रयत इंदिरा, बोले सस्व दत्त रही, बोले क्या थोड़ी समय के लिए इंदिरा लक्ष्मी, बोले नहीं हर समय के लिए। जहां पर लक्ष्मी, लक्ष्मी तो बेलवन में तपस्या कर रही है जिसको प्राप्त करने के लिए, और ये गोपियां राधा रानी एक सबके सब लक्ष्मी है। कहते सस्वत मतलब हर समय के लिए लक्ष्मी की वृंदावन धाम क्रीड़ा भी बनी, हर समय के लिए लक्ष्मी क्रीड़ा कर रही है। इसलिए गोपियां कह रही है हे श्याम सुंदर, जब से तुमने जन्म लिए वृंदावन धाम को तो जय जयकार हो रहे हैं, लेकिन जो हम है ना, केवल हम लोग को दुखी है, क्योंकि तुमने बंसुरी बजा करके मध्य रात्रि हमें बुलाया, बुलाकर कितने प्यार तुमने दिया, कितने प्रेम दिए हमें, और प्रेम दे करके जब हम एक आंख में काजल पहने, हम दूसरे आंख में काजल तुमने पहनाया है, जब आधा वस्त्र पहन करके आए थे पूरा वस्त्र पहनाया, जब रासलीला करते करते जब हम थक जाते थे, बोले था चरण दबा दो, प्यार दबा दो तुम्हारे, तुम हाँ इतने तुमने प्रेम दिया, लेकिन प्रेम दे कर तुम कहाँ चला गया हमको छोड़ करके। और जय जन्म जन्म श्रयत इंदिरा सस्व दत्त रही, बोले दैत दीक्षताम, दैत मतलब होता है प्यारे बापति है। बोले हे श्याम सुंदर, हम तो आपका साधारण नहीं, दैत दीक्षताम, तुम तो हमारे दैत, दैत मतलब प्रेम प्यारे है, इसलिए तुमने स्वयं बताया, तो ही हम और कहीं नहीं, तुमने स्वयं बताया। गोपियां किसकी है, कृष्ण कहते हैं मेरी गोपियां है, ये गोपियां मेरी है, तुमने स्वीकार किया हम तुम्हारी ही है और हम किसकी है ही नहीं। अगर हम तुम्हारी हो करके और तुम्हारी हमारी ये दुख को दे करके तुम निर्दय भाव से तुमने कहाँ छुप गए। इसलिए जैसे हम सुंदर क्या करो, तुम हमारे ऊपर में कृपा करो, हमें दर्शन दो, दर्शन दे करके, क्योंकि हम तुम्हारी है और हम किसका है ही नहीं। अगर होता है ना, एक व्यक्ति अगर किसका होता है, जैसे हम बच्चे को अपना मानते, बच्चे को दुख थोड़ी देख सकते, देख ही नहीं सकते, जब हम तुम्हारी है फिर तुम हमारे दुख को कैसे देख सकते, देख रहे कैसे दुख को। इसलिए श्यामस्तत तो ही धृता सब। और कहते जो शरीर हमने जो धारण किया है ना, हम जो शरीर धारण किया है तुम्हारे प्रेम सही है, शरीर धारण किया है, इसलिए गोपियां कह रही हैं देखो हम तो तुम्हारी विरह में शरीर छोड़ देते, विरह में ज्यादा दुख हो हम शरीर छोड़ देते, लेकिन हम शरीर नहीं छोड़ पाते। बोले क्यों, कहते हमारे जो मन है ना तुम्हारे पास में विद्यमान,
हमारी जो मन तुम्हारी पास में विद्यमान, अगर मन हमारी पास में रहता तेरी विरह में तो शरीर छोड़ देते, लेकिन हमारे मन तो तुम्हारी पास में विद्यमान। जब हमारा मन तुम्हारी पास में विद्यमान, केवल शरीर ही यहाँ पर और कृष्ण के पास में कोई चीज रहो ना, वो तो सुरक्षित रहेगा, वो तो कभी मर नहीं सकते, वो मर ही नहीं सकता, मर जाते, लेकिन हमारे प्राण तुम्हारे पास में विद्यमान, इसलिए हम तेरे विरह में शरीर को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए त्वयि धृता सर्व त्वाम विचिन्वते, इसलिए इसे हम सुंदर सारा दुनिया में तो जय जयकार हो रहे हैं, लेकिन हम तुम्हारी होकर तुम्हारी विरह में जो दुखी और तड़फड़ा रहे हैं, लेकिन तुम दुख देख करके तुम कहाँ हो, इसलिए कृपा करके हमें दर्शन दो, और विरह तुम्हारी विरह जनित जो दुख है ये दुख से हमें तुम निकालो। इसलिए ये पहला श्लोक में गोपियां कृष्ण दर्शन करने की लालसा से ये गीत को गा रहे हैं, और ये गीत गाने पर कृष्ण क्या करते हैं, बाद में स्वयं गोपियों के बीच में कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं। इसका मतलब है ये गीत को हम कहीं भी ये गीत को गाएंगे कृष्ण कभी रह नहीं सकते हैं, कृष्ण को वहां आना ही पड़ेगा। इसलिए नियम है रोज घर में अपना गोपी गीत को गाओ, कृष्ण तुम्हारी घर में रहेंगे। ठीक है, वंचाकुल प्रभस्य कृपा सिंधु भय वच पतितानंग पावन भो वैष्णव भो नमो नमः। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल।